देखने के बाद कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट भी बदल सकते हैं कई तरीके से, क्योंकि कांग्रेस ने तो नागौर में प्रत्याशी घोषित किया, ने क्यों सकते हैं। मुझे लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर मुझे घेरना चाहती है कि हनुमान जी को खेलते में बिजी रखें, ताकि आरएलपी के जो योद्धा राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं इनके वोट की अपील करने नहीं जा सके। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है मेरे परिवार, ये मेरा परिवार जो राजस्थान की वो जंग लड़ रहा है, जो आजादी के लोग मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजने का प्रयास कर रहे थे बारम्बार, आपको धन्यवाद। और इस बार भी सबकी इच्छा थी और जो मंच में बैठे हैं सारी टीम, मेरा परिवार जो मंच में बैठा हुआ, ये सारे लोग कह रहे थे कि साहब क्या करोगे बता तो दो, चुनाव कहां से लड़ोगे। ये आप भी जानते हैं कि मैं लंबी लड़ाई राजस्थान से लड़ रहा हूं। मैंने कहा मैं मेरे द्वारा, लेकिन 18 की सभा के बाद जब 23 की नामांकन सभा आई, उस नामांकन सभा से 2.5 गुना ज्यादा तादाद के अंदर आप लोग ये सुधारे और आपने सीधा सीधा संदेश दे दिया कि खेउसर की सीट जो आम आदमी सर्व की सत्ता में भागीदारी कैसे हो, आप घर घर मत आना, हम आपको चुनाव जिताएंगे। अगर राजस्थान में सबसे मजबूत इलाका कोई है राजनीतिक रूप तो इसमें कहने के अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो खेउसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे मजबूत इलाका, जहां यहां की जनता खुद 18 में चुनाव लड़ी थी, उनका प्रत्याशी राजस्थान के शोषित दलित पीड़ित तबके को राजस्थान 2018 के अंदर जब नामांकन सभा हुई थी और उस समय थोड़ा सा जल्दबाजी में आज नागौर के अंदर खेउसर विधानसभा क्षेत्र जिसने मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा पहली बार चुन के, और वहां से